नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम आपको ले जाएंगे पिथौरागढ़ के एक रहस्यमय और प्रशांत स्थान पर, हाट कालिका मंदिर में। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में स्थित हाट कालिका मंदिर हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो शक्ति पूजा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के मंदिर माता हाट कालिका को समर्पित है और यह स्थान भक्तों के लिए पावन माना जाता है। यहाँ 1000 वर्षों से भी अधिक का इतिहास बसा हुआ है, जहाँ हिंदू भक्ति का रंग हर कोने से छाया हुआ है। हाट कालिका मंदिर पिथौरागढ़ शहर से लगभग 77 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उच्च हिमालय की शीतलता में स्थित हाट कालिका मंदिर सदियों से श्रद्धा का प्रतीक है। हाट कालिका मंदिर का नाम सुनते ही मन में पवित्रता की भावना उत्पन्न होती है। हाट कालिका मंदिर की श्रृंगारी सुंदरता और शांति भरे वातावरण में यहाँ के भक्तों को अपनी भक्ति को महसूस करने का अद्वितीय अवसर मिलता है। गंगोली हाट में स्थित हाट कालिका मंदिर के बारे में पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गुरु शंकराचार्य ने महाकाली माता का यह शाक्तिपीठ कुमाऊं मंडल में भ्रमण करते समय स्थापित किया था। मान्यता के अनुसार हाट कालिका माँ का रात में डोला चलता है। इस डोले के साथ माँ कालिका के गण आन व बाण की सेना भी चलती है। कहा जाता है कि अगर कोई इस डोले को छू ले तो उसे दिव्य वरदान की प्राप्ति होती है। बताया जाता है कि 1971 में पाकिस्तान के साथ छिड़ी जंग के बाद कुमाऊं रेजिमेंट के सूबेदार शेर सिंह के नेतृत्व में महाकाली माता की मूर्ति की स्थापना हुई थी। बताया जाता है कि ये सेना द्वारा पहली मूर्ति स्थापित की गई थी। इसके बाद कुमाऊं रेजिमेंट ने साल में 1994 में बड़ी मूर्ति चढ़ाई थी। हाट कालिका मंदिर के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर माँ काली विश्राम करती है। यही कारण है कि शक्तिपीठ के पास महाकाली का बिस्तर लगाया जाता है। बताया जाता है कि सुबह में इस बिस्तर पर सिलवटें पड़ी होती हैं, जो संकेत देती है कि यहाँ पर किसी ने विश्राम किया था। भक्तों को यहाँ आध्यात्मिक सुकून और शांति का अनुभव होता है। बताया जाता है कि जो भी महाकाली के चरणों में श्रद्धा पुष्प अर्पित करता है, वह रोग शोक और दरिद्रता से दूर हो जाता है। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना विधियों का पालन किया जाता है और स्थानीय त्योहारों में भी भक्तों की भीड़ बढ़ती है। आइए जानते हैं इस मंदिर की महिमा पुजारी जी से। माँ जगदम्बा की शक्तिपीठ का की स्थापना जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी द्वारा की गई। आदि काल में, प्राचीन काल में माँ जगदम्बा ज्वाला के रूप में विराजमान थी। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी आए, उनको सिद्धि प्राप्ति थी। उन्हें अपनी सिद्धि के द्वारा ये आभास हुआ, जो निरंतर आग दधक रही है, निकल रही है, जो उग्र रूप में है, उस ज्वाला को उन्होंने शांत करके 7 कढ़ाइयों के नीचे किलित कर दिया और अपने साथ लाए हुए श्रीयंत्र को स्थापित कर दिया, जो महाकाली हाट कालिका के नाम से ख्याति प्राप्त हुई या पुकारी गई या जानी गई। तत्पश्चात श्रद्धालुओं और कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा मूर्तियां बाद में अर्पित की गई। तीनों विग्रह महाकालिका के हैं और एक गणेश जी की, देवताओं के प्रधान गणेश जी की मूर्ति है, और एक वहाँ पे स्थापित बटु भैरव, काली पुत्र बटु भैरव जी की मूर्ति है। मुख्य स्थल माँ जगदम्बा की शक्तिपीठ का यहाँ पे कीलन किया गया है। कुमाऊं रेजिमेंट की अधिष्ठात्री देवी के रूप में इस देवी की पूजा की जाती है। इस देवी की पूजा में विशेष रूप से की जाने वाली आराधना से सैनिकों का मनोबल बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। यहाँ की पूजा अर्चना में भक्तों की आवाज दिव्यता प्रदर्शित करती है। हाटकाली का मंदिर न केवल भक्ति का स्थल है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर भी है। इस आध्यात्मिक यात्रा में हाटकाली का मंदिर पिथौरागढ़ के इस अमृत भूमि का एक सांगीतिक अनुभव करें, जो भक्ति और प्राकृतिक सौंदर्य का एक संगम है। आप सभी को आशीर्वाद मिले। जय माता दी।